हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिक्स्ड फार्मिंग। क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी बुक है आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज में ये टॉपिक है मिक्स्ड फार्मिंग। शुरुआत करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में। नाम से पता चल रहा भैया कुछ ना कुछ चीज तो यहाँ पे मिक्स हो रही है, तो मतलब यहाँ पे खेती भी की जाएगी, क्रॉप कल्टिवेशन भी की जाएगी और इसके साथ में कोई दूसरी चीज की जाएगी, तो वो दूसरी चीज क्या है यही आपको देखना है। वो दूसरी चीज है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब समझते हो आप, जहाँ पे पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग एक ऐसी एग्रीकल्चर है जहाँ पे क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ, क्रॉप कल्टीवेशन का मतलब है एग्रीकल्चर के साथ साथ खेती करने के साथ साथ फसल उगाने के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री पर भी ध्यान दिया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी एग्रीकल्चर जहाँ पे एनिमल रियरिंग भी की जाए और क्रॉप कल्टीवेशन भी किया जाए, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। नाम से पता चल रहा है। अब जब हम एनिमल रियरिंग करेंगे तो हम इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो जानवरों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिनको हम बोलते हैं फोडर क्रॉप्स। फोडर का मतलब होता है चारा। तो चारे के लिए जो क्रॉप्स होती हैं वो भी क्रॉप्स इसमें उगाई जाती हैं मिक्स्ड फार्मिंग में। तो मिक्स्ड फार्मिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मिक्स्ड फार्मिंग रेफर्स टू द क्रॉप कल्टिवेशन अलोंग विद द रियरिंग ऑफ एनिमल्स। जानवरों को पालने के साथ साथ यहाँ पे दो काम किए जाते हैं, क्रॉप कल्टिवेशन किया जाता है, एनिमल रियरिंग की जाती है। कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? कैटल, सीप, पिक्स, पाउल्ट्री, ये सारी चीजें पाली जाती हैं ताकि क्रॉप के साथ साथ किसान की इनकम बढ़ सके, ठीक है। इसके कुछ फीचर हैं। अब ये जब आप जानवर पालोगे तो जानवर बहुत महंगे आते हैं, ठीक है। तो हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो आप जब जानवरों को रखने के लिए आपको फार्म चाहिए बड़ा सा, वहां पे मशीन चाहिए उनकी टेक केयर करने के लिए, ठीक है, दूध वूध निकालने के लिए, और खुद जानवरों को लेके आओगे तो जानवर भी या भैंस भैंस होती है जो बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत होती है। अब खेती कर रहे हो तो खेती में आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा केमिकल फर्टिलाइजर्स और ग्रीन मैन्यूर्स, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो खुद किसान है, किसानों को भी स्किल और एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है, उनको भी थोड़ा ट्रेंड होने की जरूरत पड़ती है। फीचर्स हैं मिक्स फार्म। अब जहाँ पे खेती की जा रही है उस खेत को हम क्या बोलेंगे? मिक्स फार्म बोलेंगे। यहाँ पे फार्म का जो साइज होता है, फार्म का साइज ध्यान रखना मॉडरेट साइज होता है, ना तो बहुत बड़े फार्म्स होते हैं जो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रीन कल्टीवेशन पाए जाते हैं, ना बहुत स्मॉल फार्म्स होते हैं। तो यहाँ पे फार्म साइज जो होता है मॉडरेट साइज का होता है, ध्यान रखना। कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है? व्हीट, बार्ले, ओट, राई, मेज, फोडर क्रॉप्स, रूट्स। फोडर क्रॉप्स आर दी मेन कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो फोडर क्रॉप्स होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं मिक्स्ड फार्मिंग में। अब इसमें खेती में ध्यान रखना कुछ टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दो टेक्निक्स की बात की जा रही है, नंबर एक क्रॉप रोटेशन और नंबर दो इंटरक्रॉपिंग। ये दो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं इस फार्मिंग में। दो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को यूज किया जाता है। टेक्निक नंबर 1 क्रॉप रोटेशन, टेक्निक नंबर 2 क्रॉप इंटरक्रॉपिंग। इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। समझते हैं क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप रोटेशन में क्या करेंगे, जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है 2023 में, ये मान लो कोई खेत है, इस खेत में हमने बो दिया व्हीट। क्या बो दिया? व्हीट। जैसे ही 2024 आया इसमें मान लो हमने मस्टर्ड बो दी। क्या बो दी? मस्टर्ड बो दी। मतलब नेक्स्ट ईयर में हमने क्रॉप को चेंज कर दिया। फिर 2025 आया, यहाँ पे मान लो हमने बार्ले बो दिया। क्या बो दिया? बार्ले। फिर 2026 आया, फिर दोबारा से व्हीट बो दिया। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। हर साल में मतलब उसमें खेत में क्रॉप चेंज कर देना। इससे क्या होता है, हर क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक ही साल में, जैसे मान लो इस साल ये मेरा खेत है, मैंने इस वाली यहाँ पे ऐसे इसमें क्यारी बना दी है ना, तो यहाँ पे तो मान लो व्हीट बो दिया, यहाँ पे बार्ले बो दिया, यहाँ मस्टर्ड बो दी, यहाँ पे टोमेटो बो दिए, यहाँ पे पोटेटो बो दिए। तो मतलब अलग अलग क्रॉप बोना एक साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। और क्रॉप रोटेशन का मतलब अलग अलग ईयर में अलग अलग क्रॉप बोना। तो इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये चीज आप ध्यान रखना। कहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है? वर्ल्ड के हाईली डेवलप्ड पार्ट्स में इसको ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। ये वाला यूरोप है। यूरोप में भी ये जो शेडेड रिपोर्शन जो वाला कर रखा है, ये है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, ये अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया के कुछ हिस्से यहाँ पर, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्से यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट। अब यहाँ से आप देखोगे तो नीचे का जो पोर्शन है ये सदर्न कॉन्टिनेंट है पूरा की पूरा। इसमें भी कौन से हिस्से? टेम्परेट वाले रीजन। टेम्परेट का मतलब है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइल्ड, मतलब बहुत ज्यादा बीच का असर रहता है, टेम्परेचर ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, मतलब थोड़ा ठंडा रहता है। तो टेम्परेट रीजन में यहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। किसको? मिक्स्ड फार्मिंग को, ठीक है। ये वर्ल्ड के सारे पार्ट्स हो गए। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है इंटरक्रॉपिंग की। तो द कल्टीवेशन ऑफ मोर देन वन क्रॉप इन द सेम टाइम स्पेस
सेम स्पेस एट द सेम टाइम इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। सेम जगह पर सेम टाइम पर जो अलग अलग क्रॉप बोई जाती है, जैसे ये अलग क्रॉप है, ये अलग क्रॉप है, ये अलग क्रॉप है, ये अलग क्रॉप है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स फार्मिंग का एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैंने बता दिया था, यहाँ पर फोडर क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है। और फोडर क्रॉप्स की जरूरत किसको होती है, एनिमल्स के चारे के लिए होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लास्ट में फाइनली एक बार वंस मोर इसको रिवाइज कर लेते हैं। मिक्स फार्मिंग में ध्यान रखना दो चीजों की कंबाइंड एक्टिविटी है, क्रॉप कल्टिवेशन किया जाता है साथ के साथ एनिमल रियरिंग की जाती है। फार्म का साइज होता है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, मॉडरेट मतलब बीच का सा साइज रहता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिक्स्ड फार्मिंग में हाई रहता है। इक्वल इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है क्रॉप को भी और एनिमल्स को भी। और फॉडर क्रॉप इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हुआ ऑल अबाउट मिक्स्ड फार्मिंग। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।